नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस ने वरिष्ठ नेता सीएम इब्राहिम को सस्पेंड कर दिया है। जेडीएस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन पर ये कार्यवाही की है। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जेडीएस ने इब्राहिम पर पार्टी के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पार्टी ने उन पर ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से नहीं निभाया है। आप सभी को बता दें कि पार्टी अध्यक्ष देवेगौड़ा ने 19 अक्टूबर को इब्राहिम को पार्टी के कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया था और उनके स्थान पर अपने बेटे एचडी कुमार स्वामी को नियुक्त किया था। इब्राहिम ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने के जेडीएस के फैसले के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री इब्राहिम ने दावा किया था कि उनका गुट धर्म निरपेक्ष होने के कारण मूल जनता दल सेक्युलर है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वह कर्नाटक में संगठन के बारे में फैसला ले सकते हैं। उन्होंने देवेगौड़ा से भाजपा के साथ गठबंधन के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की थी और दावा किया था कि इससे नाराज होकर पड़ोसी राज्यों में पार्टी के कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जेडीएस ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता थी। उन्होंने पार्टी के विचारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने पार्टी के फैसले का उल्लंघन किया है। उनके पार्टी विरोधी बयान से जेडीएस को काफी नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बता दें कि सीएम इब्राहिम जेडीएस में आने से पहले कांग्रेस के नेता भी थे। वहीं पिछले साल मार्च में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वे इनकी पार्टी में शामिल हो गए थे।